गुड मॉर्निंग मेरे भाई, डे 10 इज़ हियर। डे 9 की वीडियो में डाल नहीं पाया यार, बहुत ज़्यादा थक गया था। और डे 9 भी अगर तुम देखो तो थोड़ा सा मेरा चीट डे गया था। सुबह मैंने आई थिंक केले खाए थे 6, फिर उसके बाद दोपहर में मुझे याद नहीं है जूस वगैरह पिया होगा और खीरे वगैरह खाए होंगे, है ना। और शायद सब्जी वगैरह तो कुछ खाई थी या नहीं मुझे याद नहीं है, हो सकता है बाई चांस कुछ खाया हो, इतना मेरे को कल का याद नहीं है। और रात को मैंने आलू बनाए थे, आलू, और उसको हल्के से उबाले थे, मतलब ऑयल नहीं खाया था कल के दिन, हल्के से उसे उबाले थे। और टमाटर की चटनी बनाई थी, टमाटर, प्याज, अदरक और उसकी, वो भी बिना ऑयल के बनाई थी, तो मतलब ऑयल तो नहीं खाया। आलू मैंने थोड़े ज़्यादा खाए थे और उसकी वजह से मुझे आलस आ रहा था। आज जब मैं सुबह उठाऊँ ना सो के, तो भाई अच्छे से उठ नहीं पाया। मतलब वैसे जब मैं रॉ फूड में रहता हूँ तो आग बहुत जल्दी खुलती है, बट सुबह मैं उठ नहीं पाया। मतलब 8:30 बजे मैंने आग खोली। और रॉ वीगन पे रहने में ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी भाई, आग, अगर किसी को सुबह जल्दी उठना है ना भाई, तुम रॉ वीगन पे आ जाओ। मतलब ना कोई डेयरी प्रोडक्ट लेना है, जितना हो सके कच्चा खाओ, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जो हो सके खाओ। तो इससे तुम्हें एक्चुअली नींद तुम्हारी कम हो जाएगी और अर्जेस कम हो जाएंगे, गुस्सा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है भाई। ये तो अभी भी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, बट मुश्किल हो जाता है पूरी तरीके से रॉ वीगन रहना, क्योंकि भाई एक तो शरीर को आदत नहीं है और दूसरी चीज़ तो ये है कि तुम रॉ वीगन अगर रहना भी चाहो ना तो तुम कितना खाओगे, क्योंकि तुम जैसे ही खाओगे ना भाई, वो पानी होता है एक तरह से, देखो खीरा वगैरह। तो मैक्सिमम जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उससे भूख नहीं मिटती। अगर तुम रोटी खा लोगे तो वो भारी होती है। अब फ्रूट्स में भी कुछ भारी होते हैं, जैसे भाई कोकोनट वगैरह हो गया तो ये भारी होते हैं, ये पपीता, वाटरमेलन, खीरा, इनमें भाई मैक्सिमम पानी होता है, तो ये पेट में जाते हैं, घुल जाते हैं, भूख दोबारा लगती है, क्रेविंग दोबारा होती है। बट भाई रॉ वीगन के बहुत फ़ायदे हैं। एक्चुअली मेरी बॉडी तो इतनी जल्दी रिएक्ट कर रही इस चीज़ को लेके कि मतलब मैंने बताया था 7वें 8वें दिन मेरी तबीयत हल्की से ख़राब हो गई थी, तो मैंने वो थोड़ा सा खाना खाया और अभी भी मैंने यही किया है। आज का दिन तुम देखो तो सुबह से मैं खाली पेट रहा था। सुबह मैंने क्या खाया था, हाँ सुबह मैंने खीरे खाए थे, फिर उसके बाद मैं दोपहर में गया था, मार्केट गया था, 200 रुपये के फल लाया था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही आया था तो सबसे पहले मैंने वाटरमेलन खाया, लगभग आधा वाटरमेलन मैंने खा लिया होगा, 2.25 किलो का था वाटरमेलन, मतलब 1 किलो 753 ग्राम्स, तो उसका आधा मैंने खा लिया था। फिर उसके बाद अभी दोपहर के टाइम मैंने ये खाया और 1.5 गिलास गन्ने का जूस पिया था, ठीक है। फिर उसके बाद तुम देखो तो अभी मैंने रात में पपीते खाए, पपीता भी मैं काफ़ी लाया था, मतलब लगभग खाया था कि मेरा पेट भर गया, बट उसके आधे घंटे बाद भूख लगी, तो दाल रखी हुई थी और चावल रखे हुए थे, तो दाल और चावल मैंने थोड़े से खाए, थोड़े से क्या मतलब लगभग 1 प्लेट खाया होगा, तो दाल चावल वगैरह खाया, तो अभी पेट मेरा फुल है। और इतना भाई एक स्ट्रिक्ट रॉ वीगन अभी मैं रह नहीं पा रहा, थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि अभी बॉडी को आदत नहीं है, धीरे धीरे करके आदत डाल लूँ। देखो सुबह से कोई भी मतलब नहीं खाया, पका वक्का कुछ भी नहीं खाया, सब्जी वब्जी भी नहीं खाई, रात में खाया थोड़ा सा, और जूस वगैरह भी गन्ने का निकलता है तो मैं पी लेता हूँ। रॉ वीगन के बहुत फ़ायदे हैं भाई, रॉ वीगन के अल्टीमेट फ़ायदे हैं, और ये अर्जेस आना, ये नाइट फॉल होना, ये सब कम हो जाएगा, ये इस बात की तो गारंटी दे देता हूँ। हो सकता है स्टार्टिंग के तुम्हें 7-8 दिन में कोई ज़्यादा फ़र्क ना दिखे, मतलब नाइट फॉल को लेके, अर्जेस पे तो फ़र्क दिख जाएगा, गुस्से पे फ़र्क दिख जाएगा, मतलब तुम्हारी मैक्सिमम प्रॉब्लम जो नो फैप में बंदों को आती है ना, तुम्हारी मैक्सिमम प्रॉब्लम इस चीज़ से ख़त्म हो जाएंगी। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कह लो या कह लो अननॉलेजेबल कि मैंने तुम्हें ये चीज़ें बताई नहीं, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया था ना, अब मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो भाई अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये जर्नी भाई नई है, ये उस ओल्ड जर्नी से ये नई जर्नी है, और देखना ये जर्नी ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, और कह लो कि ज़्यादा मोटिवेशन है, क्योंकि रॉ वीगन तुम्हारी अर्जेस कम कर देता है। अर्जेस कम होने की वजह से भाई स्ट्रीक भी अच्छी जाती है, गुस्सा भी कम आता है, और
बॉडी में एक चीज़ देखी है, थोड़ी सी एनर्जी डाउन होती है, मतलब रॉ वीगन अगर तुम रहोगे ना तो भाई एनर्जी थोड़ी सी डाउन होगी, इसी वजह से शायद मसल लॉस होता है, बॉडी का वेट लॉस होता है रॉ वीगन पे रहने पे, समझे। और इसी वजह से अर्जेस शायद कम आती हो, कि एनर्जी कम रहती है तो अर्जेस कम आते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है, नींद तुम्हारी कम हो जाएगी अगर तुम खाना खा के 8-9 घंटे की नींद ले रहे हो ना, तो भाई तुम 4-5 बजे उठ जाओगे, इतनी तो गारंटी देता हूँ रॉ वीगन पे, क्योंकि तो मैंने स्ट्रिक्ट अभी फॉलो किया था 7 दिन तक, अभी भी कर रहा हूँ। देखो सुबह से कुछ नहीं खाया, शाम को सिर्फ दाल और चावल खाया, मतलब बहुत ही कम कर दिया, मतलब मेरा 90% फूड जो अभी है, 90 कह लो या फिर 85-80% कह लो, क्योंकि सुबह से शाम तक तो मैं भूखा रहता हूँ। 3 टाइम अपन लोग खाना खाते हैं, उसमें भी रात को मैं रात की डाइट में भी वो चीज़ लेता हूँ फ्रूट्स, लेकिन भाई पूरी तरीके से रॉ वीगन रहना मुश्किल है। तो यार अभी तो बज रहे हैं रात के 10 बजने वाले हैं, 9:55 टाइम हो रहा है, तो मेरी वीडियो कल सुबह 6 बजे मिल जाएगी। और जो जो मैंने डाइट में लिया वो मैंने तुम्हें शेयर कर दिया है मेरे भाई। ओके तो बस आज के लिए इतना ही था, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और कोशिश ये करो जिसको भी अर्जेस आने भाई रॉ वीगन पे आ जाओ, तुम्हारा भाई सही बोल रहा है, मज़ा आ जाएगी, मज़ा आ जाएगी, मज़ा आ जाएगी, मज़ा आ जाएगी। ये अर्जेस वगैरह सब छोटी चीज़ें लगती है भाई जब तुम स्ट्रिक्ट रॉ वीगन पे आते हो, लेकिन एनर्जी बॉडी की डाउन होती है तो खाना लेना भी चालू करना, थोड़ा 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 करके करना है, स्टार्टिंग में इकट्ठे नहीं कर पाओगे, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ना भाई, तो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें और शेयर करूँगा, बट अभी जितने दिन का एक्सपीरियंस है तो यही है। ओके तो बस मेरे भाई जो भी था सुबह का मॉर्निंग डाइट में तुम्हें बता दिया, कल देखो क्या खाता हूँ, अभी कोई प्लान नहीं है, बस इतना ही था। कोई क्वेश्चन है पूछ लेना, बाकी तुम्हारा भाई तो है तुम्हें एक्सपीरियंस बताने के लिए और तुम्हारी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, मेन मेरा पर्पस है मेरी लाइफ बेटर करना, अगर मेरी लाइफ बेटर होती तो भाई तुम्हारी लाइफ तो हो ही जाएगी ना, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आ जाएगा ना। चलो बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय।